अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को इमरान टीवी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं इमरान टीवी। जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। यार आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना वो इस हवाले से है कि आपको पीछे आयल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आयल के हवाले से यार मैं वीडियो बना रहा हूँ कि चंद दोस्तों ने मुझे कॉल की कि यार हमने जो है ना मोबाइल चेंज करवाया गाड़ी में। पहले बिल्कुल गाड़ी सही चल रही थी, उसके बाद जो है ना मसला आ रहा है कि गाड़ी के अंदर के मसला क्या आ रहा है भाई। हमने जब आयल डलवाया है चेंज करवाया तो उसके बाद हमारी गाड़ी हल्का सा सफ़ेद कलर का धुआँ देने लग गई है। तो मेरे भाई ये कोई मसला इतना अहम नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप अगर जब भी आयल चेंज करवाते हैं तो सबसे पहले ये देखा करें कि आया कि जो ऑयल हम डलवा रहे हैं क्या ये ऑयल ओरिजिनल है। उसके बाद आपने ऑयल कितने किलोमीटर के बाद चेंज किया है, क्या किया है क्या नहीं किया, ये सारी की सारी तमाम की तमाम मालूमात मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने काम की तरफ। तो मेरे पास देखें ये एक ऑयल है हिटलर होंडा का, ठीक है जी। इसमें मैं आज आपको यार सबसे अहम चीज़ जो ना वो ये बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं जी 20W40 है, 20W50 है, ये है जी वो है। तो ये 20W40 या 20W50 ये क्या चीज़ है भाई? ये अक्सर मैंने सुना है कि लोग कहते हैं भाई यार ये गाढ़ा है, ये पतला है, इसमें ये है, उसमें वो है। तो भाई इस तरह की कोई बात नहीं है। ये 20W40 या 20W, ये इसके टम्परेचर को शो करता है। सर्दियों में आप देखें कि आप जब गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के बाद वो चौक के बगैर स्टार्ट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी मिसिंग करती है। उसके बाद जब हल्की गर्म हो जाती है तो उसके बाद गाड़ी आपकी सही चलती है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो 20-50 या 20-40 है ये इसके टम्परेचर ग्रेट होते हैं मैक्सिमम। यानी कि हमारे इस इलाके में पंजाब के अंदर 20 से टम्परेचर जो है ना गर्मियों में सुबह सुबह ज़्यादा नीचे नहीं जाता, 20 से ऊपर ही होता है और 50 से ऊपर कभी भी नहीं जाता। तो इसमें क्या होता है कि 20 टम्परेचर शुरू 20 और लास्ट 50, ठीक हो गया। इसके अंदर ये होता है कि भाई 20 से लेकर 50 तक आप अगर टम्परेचर है आपके इलाके में तो आप इस साइल को इस्तेमाल करें, ये आपकी गाड़ी बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और अच्छे तरीके से वर्क करेगी। उसके बाद यार ये देखें कि क्या आप ऑयल कहाँ से ले रहे हो। जिस बंदे से आप ऑयल ले रहे हो क्या वो आपको ओरिजिनल ऑयल दे रहा है या लोकल ऑयल दे रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह खुद ही जहाँ से भी लें, किसी छोटी शॉप से ले रहे हैं या किसी बड़े शोरूम से ले रहे हैं, अपने किसी छोटे मोटे गांव से ले रहे हैं, किसी पेट्रोल पंप से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको हिटलर होंडा के बारे में बताऊंगा। अगर आप दोस्त नेक्स्ट किसी और ऑयल के बारे में पूछेंगे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी रहनुमाई आपके साथ ज़रूर आपको आगाह करूँगा और आपकी रहनुमाई करूँगा। इसके सबसे पहले भाई ये देखें इस ऑयल के अंदर आप हिटलर होंडा के ऑयल के अंदर देख रहे हैं कि ऊपर ये इसके पैकिंग होती है, ठीक है। इस पैकिंग के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, उस नंबर और नीचे सीरियल नंबर यहाँ लिखा होता है, ये सीरियल नंबर, ठीक है। ये सीरियल नंबर और वो नंबर बिल्कुल सेम हो। उसके बाद आप तीसरी जो चीज़ है वो ये दूसरी वो ये चीज़ देखें कि यार ये इसके कंपनी ने एक जो है ना इसको स्क्रैच करेंगे आप नीचे से इसके जेन्युइन ऑयल की जो है ना वो स्टैंप निकलेगी, जेन्युइन ऑयल की। देख रहे हैं मैंने इसको स्क्रैच किया, ये बिल्कुल पहले वाइट होता है। आप किसी सिक्के से चाबी से किसी चीज़ की मदद से इसको हल्का स्क्रैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ आपके सामने, पहले देख लें आप कि ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। अब इसको मैं हल्का सा चाबी के ज़रिए ये देखें इसको मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर जेन्युइन की स्टैंप जो है ना वो वाजे हो गई है। तो भाई ये चीज़ आप देखें। उसके बाद आती है बारी कि आपने गाड़ी का ऑयल कब और कितने किलोमीटर पर चेंज करवाना है। तो भाई जो लोग चला रहे हैं इसको मेन सड़क के ऊपर, यानी कि कच्चे का इलाका नहीं है, पक्के पक्के पे चला रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वो 2 महीने या 2000 किलोमीटर, फर्ज़ करें अगर 2 महीने आपने ऑयल चेंज करवाए हुए हो गए हैं और चेंज नहीं करवाया तो आप अपनी गाड़ी का ऑयल 2 महीने बाद लाजमी चेंज करवा लें ताकि आपकी गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। उसके बाद होता है कि 2000 किलोमीटर,
अगर आपने इसको चलाया है 2 महीनों के अंदर 1000 किलोमीटर, तब भी इसको आप चेंज कर दें। उसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो केमिकल वगैरह डलते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं 2 महीने के अंदर अंदर। जब आप इसको खोलते हैं, इसकी सील ओपन कर देते हैं, इसके अंदर एयर जाती है, इसको हवा लगती है, तो इसके अंदर जो केमिकल हैं उनकी जो लिमिट है वो लास्ट 2 मंथ है। 2 मंथ के अगर आप ऑयल नहीं चेंज करेंगे तो वो आपका ऑयल भले आपने 20 किलोमीटर चलाया, भले आपने 100 किलोमीटर चलाया, वो कोई मायने नहीं रखता। वो बिल्कुल एक आम लिक्विड की तरह ही रह जाता है, उसके अंदर से सारे के सारे केमिकल ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी गाड़ी फिर क्या मसला बनेगा कि आपकी गाड़ी सही परफॉर्मेंस नहीं देगी, कभी उसकी क्लच प्लेट कमज़ोर है जो हो जाएगी, कभी वो धुआं देने लगेगी, कभी उसके रिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कोई इशू हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या करें कि एक रूटीन बनाएं अपनी कि आप 2000 किलोमीटर या फिर 2 महीने लाजमी ऑयल चेंज कर लें। मज़ीद अगर कोई मालूमात हो तो मैं आपको शेयर करूँगा, अगर किसी और ऑयल के हवाले से आपने पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आगाह कर दीजिएगा, मैं आपको सारी मालूमात दे दूंगा। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।